आंध्र प्रदेश पुलिस ने राज्य के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश को नजरबंद कर दिया है। इसके बाद दोनों 12 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। पुलिस ने टीडीपी के कई विधायकों को भी हिरासत में ले लिया है। अटमाकुर रैली में शामिल होने के लिए जा रहे तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश को पुलिस ने उनके घर में नजरबंद कर लिया। पुलिस ने टीडीपी के कई विधायकों को भी हिरासत में ले लिया। टीडीपी का आरोप है कि पिछले 3 महीनों में उनके 8 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इनमें ज्यादातर गुंटूर जिले के अटमाकुर और पलनाडु क्षेत्र के थे। इस विरोध में चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को गुंटूर से पलनाडु के अटमाकुर गाँव तक रैली करने का फैसला किया था। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सरकार मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। उधर जैसे ही टीडीपी के समर्थकों को ये पता चला कि चंद्रबाबू नायडू को नजरबंद कर दिया गया है तो सैकड़ों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर जमा हो गए। पुलिस ने पार्टी के कई विधायकों समेत तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। टीडीपी के महासचिव और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने पुलिस की कार्यवाही को तानाशाही करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन लोगों को गैर लोकतांत्रिक तरीके से रोका गया है। उन्होंने कहा कि टीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।